हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, अभी जो है शाम का टाइम है, हम लोग अपने कबूतरों को बाहर भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम पर में लगाने वाले हैं कलर, तो अभी फिलहाल में भाई पानी वानी डाल कटोरी में, यही डालना, क्या दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा ही डालना। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे है दो कलर, एक है ग्रीन और एक है ऑरेंज। यही तीन कलर का सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था। कुछ लोगों का कमेंट्स था ऑरेंज, कुछ का कमेंट था पिंक या रेड, और कुछ लोगों का कमेंट्स था ग्रीन। और भी बहुत सारे कलर का कमेंट्स आ रहा था, बट गाइस वो कमेंट्स कम थे, सबसे ज़्यादा तीन कलर के कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने जो है सबसे पहले ये कलर ले लिया है, ये देखो ऑरेंज रेड लिखा है। डार्क कलर बनाओगे तो ये जो है रेड के जैसा हो जाएगा, और थोड़ा सा कम कलर का यूज़ करोगे तो ऑरेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने ला दिया है ग्रीन कलर। सो गाइस, मैं जो है कोई एक कलर अपने कबूतर पे नहीं लगाने वाला हूँ, मैं जो है ये दोनों कलर का यूज़ करने वाला हूँ। तो जो कबूतरों को कलर लगाना है पर पे, उन लोगों को मैं एक एक करके बाहर निकालता हूँ और कलर लगाते हैं, ठीक है। और ये कपड़े से लग जाएगा ना, लग जाएगा, इसको आधा आधा कर ले, एक से ग्रीन लगाने के लिए और एक से वो इतने से कलर पानी में हो जाएगा, हो जाएगा। भाई कबूतर को लगाना नहीं तो भी आठ कबूतर हैं, आराम से हो जाएगा। क्या बात कर रहा भाई, हो जाएगा, नहीं होगा तो डाल देंगे। ये क्या कर रहा है, पार डाल दो, कर रहा हूँ। इतनी से लगाएगा, अरे तो ऐसे ऐसे नहीं लग जाएगा, अपने को कबूतर के पर में लगाना है ना। हाँ चल, तो ये जो ऑरेंज कलर है इसको डालता हूँ, ये फूड कलर है, इससे कोई भी कबूतरों के पर में नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग डार्क ही रखने वाले हैं कलर को, बस बस। मेरे हिसाब से थोड़ा और डालना चाहिए, पानी ज़्यादा हो गया क्या, अभी और पिघलेगा वो, क्या थोड़ा डार्क रहेगा ना, सही रहेगा, मतलब डब्बा नीचे रखना गिर जाएगा। अब बारी है ग्रीन की, वाला कलर और यहाँ पे है ऑरेंज कलर, ठीक है। हाथ में भी भाई पूरा लग रहा है। तो कलर तो हो चुका है तैयार, बारी है जो कबूतर को कलर लगाना है उसको बाहर निकालने का। तो मैं एक एक करके बाहर निकालता हूँ, कलर लगाते हैं और फिर उसको छोड़ देंगे। अगर गाइस एक साथ अपने सभी कबूतरों को बाहर निकाल देंगे तो फिर पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं एक एक करके जो कबूतरों को कलर लगाना है सबसे पहले मैं उनको कलर लगाता हूँ, उसके बाद अपने बाकी के सभी कबूतरों को हम लोग निकालेंगे बाहर। तो थे ही कि भाई पिंक कलर लगा दो, ग्रीन लगा दो, रेड लगा दो, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट था कि भाई कलर मत लगाओ, कबूतर खराब हो जाएंगे। तो हम लोग अपने पूरे कबूतर पे कलर नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उड़ने वाले कबूतरों पे कलर लगा रहे हैं, जिससे गाइस थोड़ा सा जब अपने कबूतर उड़े तो पहचान में आ सके कि भाई ये सब अपने ही कबूतर हैं, उनके बीच में कोई दूसरा कबूतर आ जाए तो हम लोग पहचान जाए कि भाई इनके अंदर जो है कोई दूसरा कबूतर आ चुका है। अपने बाकी के सभी कबूतर वैसे ही रहने वाले हैं नॉर्मल, उन पे थोड़ा भी कलर हमें नहीं लगाना। ये वाला निकाल ले भाई, ये? नहीं नहीं वो हाँ वो पट्टा निकालना, ये पट्टी है हमारे घर की ही, ये देखो, ठीक है। और ये है इसके पर, तो गाइस हम लोग को जो है इसके पर के नीचे साइड में लगाना है, जिससे कि कबूतर उड़े तो हम लोगों को दिख सके, और दोनों पर में लगाएंगे। पकड़ भाई इसको ऐसे पकड़, मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा ही एक लगा देते हैं, यहाँ यहाँ ऑरेंज रखते हैं और इधर ग्रीन कर दें। और गाइस ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर अच्छा नहीं लगे कि ये परमानेंट ही हो जाएगा, अगर अच्छा लगेगा तब जो है हम लोग हमेशा ऐसे ही किया करेंगे, जो भी उड़ने वाले पट्टे तैयार होंगे उनके पर में ऐसा ही कलर लगा देंगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग जो है अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस बार लगा दिया तो हमेशा हम लोग यही चीज़ करेंगे। दिख रहा
आपको ना। जब मैंने पहले तिरंगा को कलर मारा था ना, मैंने इस टाइप से नहीं मारा था, एक को पूरा ऑरेंज किया हुआ था इधर थोड़ा था और एक में ग्रीन मारा था। ये डार्क में नहीं लग रहा है ग्रीन वाला, जगह वो वाला देख पूरा डार्क हो गया। तो गाइस अभी जो है हमारे ये कबूतर के एक पर में तो कलर लग चुका है, और पहले मैंने डिसाइड किया था कि दोनों पर में कलर लगा देंगे, बट अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग सिर्फ इसके एक ही पर में रहने देते हैं और एक पर इसका नॉर्मल रहने देते हैं, ठीक है। पूरा फुल वाइट और एक पर में जो है कलर रहेगा। कौन से वाले साइड में कलर है? लेफ्ट वाले में ना। सो गाइस लेफ्ट बाजू में जो है कबूतर के कलर रहेगा अपने कबूतरों में, और जो इन लोगों का राइट साइड का पर है उसके अंदर कलर नहीं रहेगा। सूख गया होगा भाई, छोड़ना ऊपर छोड़। नहीं भाई गिर जाएगा। अरे नहीं गिरेगा यार, दोनों पर थोड़ी उसका वो है, ऐसे ऊपर छोड़ना तू। अरे गिर जाएगा भाई, समझा कर। अच्छा ऐसे तो छोड़। कहाँ गिरा ये बता, कहाँ गिरा? ये गया, ये आके बैठ गया, गिर गया। अभी जो है अपना ये कबूतर आके बैठ चुका है, और इसके दोनों साइड में कलर हम लोग नहीं लगाने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक ही बाजू में कलर लगेगा। तो ऐसे ही करके हम लोग जल्दी जल्दी इसे कलर लगा लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अभी एक कबूतर के पर में तो कलर लग चुका है, ये रहा भाई। और अभी गाइस कलर अच्छे से सूखा नहीं है, जब सूख जाएगा ना तब मैं आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगा कि कबूतर कैसा लग रहा है। और ये तो जस्ट निशानी के लिए कलर लगाया गया है, इस। अभी जो है हम लोगों ने अपने उड़ने वाले कबूतरों के पर में कलर लगा दिया है, और ये जो है बैठे हुए हैं ऊपर, और हम लोग के हाथ में भी जो है पूरा कलर कलर हो गया। सबसे पहले अपने जो कबूतर जाल के अंदर है इनको मैं निकालता हूँ बाहर, क्योंकि भाई दाना होना डालना बाकी है, अभी थोड़े ही टाइम में अंधेरा भी हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, आओ 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 आओ। ये चलो आओ, लो आओ भाई फटाफट। कितने कबूतरों के पर में कलर लगाए टोटल? छः। सो गाइस अभी तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही कबूतरों के पर में कलर लगा है, और भी एक दो कबूतर उड़ने वाले हैं जिनके पर में कलर लगाना है, लेकिन क्या है शाम हो गया था, अपने कबूतरों को बाहर निकाल के दाना होना भी डालना था, तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने 6 कबूतरों के पर में कलर लगाया है। और कुछ ऐसे पट्टे हैं जो उड़ने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, अभी मैंने उनको कभी उड़ाया नहीं है, तो उनको भी जब हम लोग उड़ाना स्टार्ट करेंगे तो उनके भी पर में कलर लगा देंगे। और अभी फिलहाल में तो हो चुका है शाम, कबूतरों का कलर भी प्रॉपर नहीं पता चलेगा। ये देखो ये लगा रखा है मैंने, लेकिन शाम हो गया है तो प्रॉपर नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्या रिजल्ट है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए। Bye.